आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को काफी ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इससे जुड़े और भी कई सारे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि चार्ज क्या होता है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्योंकि यह दोनों वर्ड इलेक्ट्रिकल के अंदर हमको कई बार सुनने को मिलता है और हम बार बार कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये दोनों क्या है। और जब हम इन दोनों को अच्छे से समझ जाएंगे तो हमें अपने आप इलेक्ट्रिसिटी और करंट क्लियर भी हो जाएगा। तो दोस्तों बिना ज्यादा देर करे आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले जो हमको मुख्य चीज समझने में आनी चाहिए वो आनी चाहिए कि आखिरकार ये चार्ज क्या होता है। अगर ये चार्ज आपको पता चल गया तो इसके बाद में आप ये तीनों चीजें आसानी से समझ लोगे। तो दोस्तों यह चार्ज काफी ज्यादा सिंपल सी बात है। आपको सबसे पहली चीज एक यह बात पता होनी चाहिए कि हमारी जितनी भी चीजें होती है, चाहे ये स्केच पेन की बात करो, चाहे टेस्टर की बात करो, चाहे हमारे इलेक्ट्रिकल के किसी वायर की बात करो, यह जो सभी चीजें ना ये कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है। और अभी के लिए उदाहरण के लिए हम माने तो यह जो हमारा स्केच पेन है, यह स्केच पेन भी लाखों करोड़ों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है। और दोस्तों इस स्केच पेन का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, जिसको और छोटा किया ही नहीं जा सकता, उसे हम एटम बोलते हैं। तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि एटम क्या है। तो एटम इस दुनिया की सबसे छोटी चीज है, उससे ज्यादा छोटा हम किसी को कर नहीं सकते। अब दोस्तों जब आपने इस एटम को पता कर लिया तो इस एटम के अंदर भी कई सारी चीजें होती है। तो एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो एटम के अंदर मुख्य तीन चीजें होती है। और इन तीनों के अगर नाम की बात करें तो सबसे पहला होता है दोस्तों प्रोटॉन, सेकंड होता है हमारा न्यूट्रॉन और थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब आखिर ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है और ये क्या काम करते हैं, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो मैंने आपको एक एटम बताया था, उस एक एटम के अंदर कुछ गतिविधि होती है। क्या गतिविधि होती है, तो यह गतिविधि होती है कि हमारा जो प्रोटॉन होता है और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, हमेशा ये आपस में कंबाइंड रहते हैं। और एटम के अंदर यह दोनों जो कंबाइंड रहते हैं, उसको आप एक तरह से यह समझ सकते हैं कि एक कमरे के अंदर बंद है। और यह जो इनका कमरा है, इसे हम न्यूक्लियर्स के नाम से जानते हैं। वैसे हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, पर मैंने आपको छोटे सी भाषा के अंदर इसको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब दोस्तों यह जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे स्थित है, इसके बाहरी साइड में, इसके बाहर की साइड में इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके चक्कर लगाते रहते हैं। कभी इधर से इधर होगा, कभी इधर से इधर होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके बाहरी कक्ष पे चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब कि यह स्केच पेन तो अभी बिल्कुल हमें स्थिर दिख रहा है, लेकिन ये अंदर से स्थिर नहीं है। इसके अंदर भी जो लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन हर समय मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस मूवमेंट को हम हमारी रियल आईज से नहीं देख सकते, रियल आंखों से नहीं देख सकते। अब दोस्तों यह जो हमने तीन चार चीजें देखी है, इसको हमें हमेशा याद रखना है। इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि यह कहीं से बनाई नहीं गई है, इसका किसी ने नाम दे दिया। जैसे कि स्केच पेन को हमने स्केच पेन नाम दे दिया, तो वो हमको याद ही रखना पड़ेगा। इसी तरह जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आपको याद रखने की जरूरत है। और इसी के साथ में एक और चीज पे हम बात कर लेते हैं, जिससे हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया था, कि आखिरकार चार्ज क्या है। तो दोस्तों चार्ज यह तीनों ही चीज है। हमारा जो एटम है, इसके अंदर का जो सबसे छोटा टुकड़ा है, उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया प्रोटॉन है, तो ये जो प्रोटॉन होता है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन किसी भी प्रकार का इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारा एक तरह से न्यूट्रल होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे से कभी भी कोई बोलता है कि हमारा चार्ज फ्लोर है, तो इसका मतलब ये कि वो इसी चार्ज के ऊपर बात कर रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। अब दोस्तों यहां पर कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम जब भी करंट की बात करते हैं तो करंट की परिभाषा में रहता है, करंट की डेफिनेशन में कहा जाता है कि हमारा जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही हम करंट बोलते हैं। लेकिन अभी के केस में हमने कहीं पे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करी, अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करी। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको भी हम एक मिनट में देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अभी हमने यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखा एक न्यूक्लियर के अंदर, और इसके बाहर हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, इसके ऑर्बिट में हमेशा कंटिन्यू चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब दोस्तों यह तो एक एटम की बात हुई, लेकिन कई सिनेरियो में क्या होता है, हमारा जो कंडक्टर होता है या फिर हमारा जो मेटल होता है, उस मेटल के अंदर कुछ मात्रा में एक ऐसे इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं जो इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आजू बाजू चक्कर नहीं लगाते, वह बाहर अपनी अलग ही रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। जबकि ये अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट के अंदर के, वो हमेशा इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन जो हर किसी डायरेक्शन में रैंडम मूव हो रहे हैं, उसे ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जब भी हम करंट की बात करते हैं, तो उस केस में हम यही बोलते हैं कि हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे इस एटम के ऑर्बिट के बाहर रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, वह हमारे वोल्टेज के अप्लाई करने के कारण एक रेगुलर डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक बात यह भी क्लियर होनी चाहिए कि आखिर ये कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, तब हम इसे करंट बोलेंगे। तो दोस्तों
अगर करंट को हम किस में मापते हैं तो वो मापते हैं हम एम्पियर के अंदर। तो एक एम्पियर के अंदर हमारे कितने फ्री इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, तो अगर मैं आपको वह बताऊं तो वो कुछ इस प्रकार से होता है 6.25 × 10^18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। अब यह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं एक सेकंड में, तो इसका मतलब है 625, फिर इसके आगे हम 15 जीरो और लगा देंगे। तो दोस्तों यह जो इतनी बड़ी संख्या है, इतने इलेक्ट्रॉन जब एक सेकंड के अंदर फ्लो हो जाते हैं किसी भी कंडक्टर में से, तो उसे हम एक एम्पियर बोलते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी ये सारी पूरी तरह से मिक्सिंग में चल रही थी, अभी तक हमको कुछ क्लियर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब हम इन सभी के एक एक करके आंसर के ऊपर बात करते हैं जिससे हमें ये सारी बातें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं कि आखिर चार्ज क्या होता है। तो चार्ज सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि हमारी जितनी भी चीजें हैं दुनिया के अंदर वो सभी छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, चाहे हम हवा की ही बात करें। तो यह जो सभी चीजें एक छोटे से टुकड़े से मिलकर बनी है वो सबसे छोटा टुकड़ा हमारा एटम कहलाता है, और इस एटम के अंदर ही हमारी टोटल तीन चीजें होती है, जो कि होती है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और इसी के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। और जब भी हम चार्ज के फ्लो होने की बात करते हैं या फिर चार्ज की बात करते हैं तो वो हम इसी चीज को बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वह हमारा फ्लो हो रहा है। सेकंड बात करते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन भी मैंने अभी आपको वही चीज बताई है कि इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और यह इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं। और यहां पर आपको एक बात यह क्लियर रखनी है कि इलेक्ट्रॉन अलग चीज है और फ्री इलेक्ट्रॉन अलग चीज है। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा इस ऑर्बिट के, इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के आजू बाजू चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा बाहर रैंडम डायरेक्शन में मूव होते रहते हैं। तो यह हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है कि आखिरकार इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी का सिंपल सा मतलब है कि हमारा जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज के फ्लो होने को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन आता है कि आखिरकार फिर करंट क्या है। तो दोस्तों करंट भी वही सेम चीज है, जब भी हम हमारे किसी कंडक्टर पे वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो उस वोल्टेज के अप्लाई करने के कारण क्या होता है, हमारे जो रैंडम डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे इस पे एक प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने के कारण हमारे ये इलेक्ट्रॉन एक सीधी डायरेक्शन में मूव होने लग जाते हैं। और जब यह इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी संख्या के अंदर मूव होने लग जाते हैं तो उसे एक एम्पियर कहा जाता है, और अगर ज्यादा संख्या में फ्लो होंगे तो उसे और ज्यादा एम्पियर बोलेंगे, और जो एम्पियर होता है यह एम्पियर हमारा करंट ही होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, लेकिन इन सभी टॉपिक को एक साथ लेना काफी ज्यादा जरूरी था। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा उस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल जुड़ा था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो से आप पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।